तो आप देख रहे हो ना, ये है जी क्रिसमस ट्री। हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या कर रहे हो? तो मैं आज ना, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि मैं आज किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आज ना क्रिसमस का ट्री, जो कि एक बहुत ही शुभ वाला पौधा होता है, और तो मेरे पीछे देख रहे हो ना आप कितना बड़ा हमारा ये पौधा, हमारे पौधे ना बहुत बड़े बड़े हो गए देखो। तो मैं आज इसके बारे में बता रही हूँ कि हमारे को ना, मतलब बाजार से लाने की या नर्सरी से लाने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी इसको घर में उगा सकते हैं बहुत आसान, और मतलब घर में ही। तो ये देख रहे हो ना आप, ये है जी क्रिसमस ट्री, और इसको एरोकेरिया भी बोलते और मंकी पजली भी बोलते हैं, क्योंकि ना बोलते ना कि इसके ऊपर मतलब मंकी चढ़ नहीं पा सकता, और मतलब नीचे गिर जाता है मंकी, तो इसके लिए इसको मंकी पजलिंग भी बोलते हैं। तो ये देख रहे हो ना आप, ये पौधा कितना सुंदर, और इसकी पत्तियाँ कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी होती है। तो इस पौधे को ना बोलते हैं कि पैसे वाला पौधा भी बोलते हैं, कोई कई कई इसका नाम ना पैसे वाला पौधा बोलते हैं, और ये पौधा बहुत ही शुभ माना गया है। तो इसकी उम्र लगभग 40-50 साल इसकी मतलब एक बार अगर इस पौधे को लगाए ना, तो 40-50 साल इसकी उम्र होती है। और देख रहे हो ना आप कितनी सुंदर पत्ती होती है ना इसकी, और जब क्रिसमस डे होता है ना, तो इस पौधे को सजाया जाता है, मतलब लाइटें लगा के ना बहुत सुंदर लगता है। और ये तो खैर अपने आप भी इतना सुंदर है, ऐसा लगता है ना इसकी पत्तियाँ जैसे कि प्लास्टिक की पत्तियाँ हो, तो मतलब लगता ही नहीं कि ये पौधा होगा कि पत्तियाँ होगी, ये कितना बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियाँ होती है ना। और इसको हम ना घर में बहुत ही आसानी से इसको अपने आप लगा सकते हैं, अगर हमारे पास इसकी कटिंग हो ना, तो हमारे को मिल जाए इसकी कटिंग, तो वहाँ से कटिंग ला के और अपने घर में इसको हम लगा सकते हैं। और ये पौधा ना भरपूर ऑक्सीजन, आप इससे ना भरपूर ऑक्सीजन ले सकते हो। तो ये देख रहे हो ना कितनी सुंदर इसकी मतलब मुलायम बिल्कुल और चमकीली पत्तियाँ होती है इसकी। तो अगर इसके ना मतलब गुण फायदे मैं आपके साथ शेयर करने लगूँ ना, तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो और इसका ना अगर हमारे को उम्र का पता लगाना हो ना कि ये कितने वर्ष का पौधा है, तो जैसे ना इसके मतलब बीच में ये देखो गैप है ना, ये मतलब तो ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से यहाँ तक नीचे इसमें गैप, तो इसका पता चल पड़ता है कि ये पौधा कितने वर्ष का है। और दूसरा इसका मतलब पता करना हो, तो पहले साल तो ना इसमें मतलब दो ये जो ये देख रहे हैं ना आप, दो लाइनें आनी पहले साल, और उसके बाद तीन आनी, उसके बाद चार आनी, उसके बाद पांच आनी, बहुत ही एक जादुई पौधा है देखो, मतलब ना इसके बड़ा इंटरेस्टिंग मैजिक है इसका भी। तो ये देखो बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियाँ है, और इसकी ना हमारे को प्रोनिंग नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि ना ये जैसी मतलब इसका अपने आप ही शेप ना बनती चली जाती है, अगर प्रोनिंग करनी भी पड़े ना, अगर कहीं फंसती हो मतलब या बहुत बड़ी हो गई हो, तो नीचे की प्रोनिंग हम इसके कर सकते हैं, मगर ऊपर से इसकी टिप जो ऊपर की टिप्स होती है ना, वो कभी भी निकालनी है,
क्योंकि ना फिर इसकी सेप बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि अगर हम ऊपर से टिप्स काट देते हैं तो हमारा पौधा घना और मतलब अच्छा होता है, मगर क्रिसमस के प्लांट के ऊपर ये मेथड लागू नहीं होता। मतलब इसकी हमारे को टिप्स ऊपर से बिल्कुल भी नहीं काटनी है, और इसमें ना पानी ना खड़ा नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर जो हमारे को चाहिए मगर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके साथ बताऊँ ना, अगर हमारे को मतलब टिप्स पत्तियाँ मिल जाए कहीं, तो हम देखो कैसे हम इसको घर में बिल्कुल आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना हमारे को नीचे से ना जो भी ये इसकी पत्तियाँ ना, इसको हमारे को मतलब 6-7 पत्तियाँ हमारे को ऊपर तक दोनों साइड की काट लेनी है, और इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना। मतलब पत्तियाँ काट के देखो, मैं 2 पौधे आपके साथ लगा के शेयर कर रही हूँ ना, और फिर मैं इसको ना बाद में आपके साथ जब ये लगेंगे ना तो भी मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। मगर ये पौधा लगभग 200-250 रुपए का होता है पौधा। तो अब हम किसान तैयार तो करते ही है घर में और चीज़ें भी, तो इसको भी हमारे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और एक तो ये ऑक्सीजन, इससे भरपूर ऑक्सीजन का फ़ायदा ले सकते, और ये सुंदरता के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है इसका लगाना। तो ये देखो इसको बिल्कुल ठीक ढंग से साफ़ करके, और जैसे जैसे कलम बनाते हैं ना तो उसी तरह हमारे को इसको जैसे और चीज़ों की हम कटिंग लगाते हैं ना, इसकी भी हम ऐसे ही हम इसकी कटिंग लगाएंगे। और इसको बिल्कुल साफ़ करके ये देखो दोनों ही जो हमने ली हुई ना कटिंग है, दोनों ही हमारे को इसको जैसे जे कलम बनाते हैं ना कलम की तरह इसकी कटिंग करनी है हमने। और जब हम कटिंग कर ली तो रूट हार्मोन आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपके पास रूट हार्मोन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं ताकि इसमें ना फंक्स वगैरह ऐसा ना हो। तो मतलब आप किसी, अगर है रूट हार्मोन तो ठीक है। तो ये देखो ये हमने एलोवेरा जेल इसमें लगा के ये देखो बहुत आसानी से। और मैंने आपके साथ ना पिछले एक वीडियो में मिट्टी बनानी शेयर करी थी कि कैसे हमारे को मिट्टी बनानी चाहिए और उसमें क्या क्या डालना चाहिए। तो ये हम मिट्टी हमारे पहले से ही हम बना के रखते हैं ताकि कोई भी पौधा लगाना हो तो हमारे को मिट्टी की बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देख रहे हो ना, वैसे तो इसका लगाने का टाइम सारा ही वर्ष हम इसको लगा सकते हैं, मगर सितंबर अक्टूबर में लगाने का इसका ना मतलब ज़्यादातर सक्सेस पौधे हो जाते हैं अगर हम सितंबर या अक्टूबर में इसे लगाएं। और इसका घर में लगाना बहुत ही शुभ है। और देखो बिल्कुल आसान और सस्ती विधि, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ बताया ना लगाना। और अगर गमले में भी लग सकता है, इनडोर भी और आउटडोर भी, मगर ज़मीन में लगाने से ना इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और हम अगर इसकी ज़मीन में लगाएं तो ये देखो हमारा अब, और इसके लिए ना डायरेक्ट रोशनी नहीं होनी चाहिए, तब इसकी पत्तियाँ सूखने लग जाती है। थोड़ी इसकी छायादार जगह होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना पड़े। तो और पानी, इसकी जो जड़ें ना इसमें पानी खड़ा होना नहीं चाहिए। मॉइस्चर तो इसके लिए चाहिए, मगर पानी खड़ा होने से इसकी ना जो पत्ती होती है ना वो सूखने लग जाती है। और इसकी हमारे को प्रोनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर पौधा है, और हम इसको आसानी से ना अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।